नमस्कार दोस्तों, मैं उज्ज्वल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला एग्जाम्स में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। उसके पहले मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को अगर करंट अफेयर की क्लासेस पसंद आ रही हो तो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए लाइक का बटन जरूर हिट कीजिए, और अगर आप में से कोई बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। करंट अफेयर को स्टार्ट करने से पहले हम कोट ऑफ द डे देखेंगे। ये हमें थोड़ा सा मोटिवेट करता है ताकि हमारे अंदर एनर्जी भरी रहे, और आप में से सिर्फ 10% लोग इन लाइनों को जो है अंदर तक डाल पाते हैं, बाकी लोग तो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, पर 10% लोगों के लिए ही सही। इफ समबडी इज ट्राइंग टू सेट यू अप, सिंग लाउडर एंड इफ पॉसिबल बेटर। अगर कोई आपको चुप कराने की कोशिश कर रहा है तो ज़्यादा तेजी से गाइए और बेहतर तरीके से गाइए। आपकी आवाज़ अगर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है तो आवाज़ उठाइए और बेहतर तरीके से उठाइए। बेरोजगार भाइयों ने खूब जम के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे जो है आवाज उठाई है। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है। तो बेसिकली ये सेवा सप्ताह के नाम से जाना जाता है, और प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बोलते हैं कि मैं तो प्रधान सेवक हूँ, इसी वजह से इनका जो जन्मदिन का वीक पड़ता है उसको सेवा सप्ताह के रूप में जो है आयोजित किया गया है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनका जो जन्मदिन है वो 17 तारीख को था, 17 तारीख को एक बड़ा काम भी हुआ है। अक्सर करके आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी को बहुत आदर सम्मान और प्यार युवाओं से भी मिलता है और लगभग सभी देशवासियों से मिलता है, और ट्विटर पे इनका जो बर्थडे विश है वो ट्रेंड तो करना ही था, लेकिन इस बार बेरोजगार भाइयों ने हमारे क्या काम किया है कि हैशटैग बेरोजगार डे ये ट्रेंड करा के ऊपर ले गए हैं। तो इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थडे है वो याद किया जा रहा है, स्पेशली बेरोजगारी की वजह से। हम सारे बेरोजगारों ने मिल के सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि भाई साहब एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है हमारे देश में। जन्मदिन पे ये जरूर याद रखिए कि हमारा जो देश है बेरोजगारी से गुजर रहा है, और आपको प्रधान सेवक बनने के साथ साथ इन सभी चीज़ों में सेवा करना है और हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट करना है, बनाना है। मोदीज बर्थडे के विषय में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ये लीडर हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और इनका जो जन्मदिन का सप्ताह है सेवा सप्ताह के रूप में आयोजित किया गया है। और इसमें स्पेशली किया क्या गया है कि जितनी भी कल्याणकारी जो है गतिविधियां हैं वो आयोजित की गई है, जिसमें से अगर मैं बात करूँ कुछ स्पेशल तो सैनिटरी पैड वितरण हो गया, व्हील चेयर वितरण हो गया, और अन्य सभी तरीके के सामाजिक सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन, छोटा सा न्यूज़, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट था। देश द्वारा बकाया का भुगतान न करने के बाद भारत की कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई है। देखो एक बात तो समझो कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है इसमें ONGC रही है, ये तेल निकालने का काम करती है। अब सूडान बेसिकली है क्या, इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या है कि जो हमारी ONGC होती है विदेश में, कुछ इनके पार्टनर्स हैं जैसे ONGC विदेश OVL, और इसके और कुछ पार्टनर है CNPC हैं, और मलेशिया के पेट्रोनॉस हैं, ये दो और इनके पार्टनर्स हैं। तो सूडान में ये क्या काम करती है, तेल निकालने का काम करती है फील्ड से। अब सूडान में जो ये फील्ड से तेल निकालने का काम करती है तो सूडान को एक्चुअली क्या करना होता है, इनको पेमेंट करना होता है। तो सूडान ने इनको पेमेंट नहीं किया हुआ है ONGC को, तो ONGC ने क्या किया, बैकआउट कर लिया है। और तो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये ONGC का फुल फॉर्म है, बहुत ईजी सा है, सभी को पता ही होगा। ये जो बकाया था 430.69 मिलियन डॉलर का था, इतना जो पैसा था उनको पे करना था, और जो है सूडान की गवर्नमेंट ने जो है पे नहीं किया। तो क्या किया ONGC ने, अपने आप को बैकआउट कर लिया और एक आर्बिट्रेशन फाइल किया है सूडान गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि ये जो बकाया राशि है वो उन्हें मिल सके। और इनके साथ साथ इनके पार्टनर CNPC, मलेशिया के पेट्रोनॉस, ये दो और इनके पार्टनर हैं, CNPC बेसिकली चाइना की जो है कंपनी है, ये तीनों पार्टनरशिप में रहते हैं, और ये क्या काम करते हैं सूडान से जो है ऑयल निकालने का काम करते हैं, और इन तीनों लोगों ने जो है बैकआउट कर लिया है। तो आपको जो नाम याद रखना है वो ONGC का नाम याद रखना है। इसके बाद है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हैदराबाद जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें जो है पूरे न्यूज के विषय में डिटेल को लेके, तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। ये वर्ल्ड वाइड जारी किया गया, इसमें 109 शहरों का संरक्षण किया गया स्मार्ट सिटी इंडेक्स के। तो इनमें अलग अलग सूचकांक होते हैं, अलग अलग सूचकांक बताएं, आर्थिक और तकनीकी डेटा जो है
वहाँ के नागरिकों की धारणा क्या रही है इन सिटी के विषय में, उनसे पूछा गया, उनसे जानने की कोशिश की गई कि उनका शहर कितना स्मार्ट है कितना स्मार्ट नहीं है। तो अलग अलग तरीके के सूचकांक बनाए गए, सूचकांक के हिसाब से रैंकिंग जारी की गई, जिसमें से अगर हम भारतीय जो है जितने भी हमारे सिटीज़ हैं उन सिटीज़ में हैदराबाद की जो रैंकिंग दी है वो 85 दी है, लेकिन भारत में ये प्रथम है। वर्ल्ड वाइड ये 85 जो है रैंक रखता है और इंडिया में प्रथम रखता है। तो बड़ा सवाल ये है कि पहला स्थान कौन रखता है, तो सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा हुआ है, उसके बाद हेलसिंकी, हेलसिंकी का नाम किसी ने सुना हुआ है, मनी हाइस्ट किसी ने जो है नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज थी उसमें आपने सुना है, तो अलग अलग स्टेट्स के नाम पे जो है नाम दिए गए थे, तो हेलसिंकी उसमें बहुत फेमस कैरेक्टर था और ये सिटी का नाम है। तो हेलसिंकी दूसरे स्थान पर रहा है, ज्यूरिख तीसरे स्थान पर स्मार्ट शहरों में रहा हुआ है। आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हेलसिंकी जो है किस देश की जो है सिटी है, और इसी तरीके से ज्यूरिख किस देश की जो है सिटी है। नीचे जरा फटाफट जो है गूगल में सर्च करके जो है अपना नॉलेज को बढ़ा के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा और इसे जो स्थान मिला है वो 85वां स्थान मिला है। सिंगापुर पहले, हेलसिंकी दूसरे पे, ज्यूरिख तीसरे पे। इसके बाद अगली खबर की तरफ मूव करेंगे और अगला खबर है हाल ही में पेश किए गए बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करके बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1950, 1951, 1952। तो ये बेसिकली 1949 रेगुलेशन एक्ट को जो है संशोधित करके बनाया गया है। थोड़ा सा इसके विषय में न्यूज जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अध्यादेश है जो बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 है। इस बात को समझिए कि क्या है, एक विधेयक जो पुराना था उस विधेयक को थोड़ा सा अमेंड किया गया है, और ये जो था जो है बैंकिंग विनियम अधिनियम 1940 नियम, इसमें इसकी जो 45वीं धारा था उसमें संशोधन किया गया। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है संशोधन करके एक नया विधेयक ले आया गया है और 45वीं जो उसकी धारा थी उस धारा को चेंज किया गया है। यह बिल आरबीआई के नियम के तहत शहरी सहकारी बैंकों, यूसीबीज बोलते हैं जिसको, बहुराज्य सहकारी बैंकों, एमएससीबी को, ये लोग क्या करते हैं, इनको क्या है आरबीआई के अंदर डाला गया। अभी तक इनका जो कंट्रोल है वो आरबीआई के पास नहीं था, अब इनको आरबीआई के अंदर डाला गया है। अब आरबीआई क्या काम करने वाली, आरबीआई इनकी जो फंड है, जो इनके अंदर डिपॉजिट्स है, डिपॉजिट्स को बगल लॉक किए हुए। डिपॉजिट को लॉक करने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने इन बैंकों में पैसा डाला हुआ है तो मेरा पैसा मैं निकाल नहीं पाऊंगा, लेकिन आरबीआई के अंदर इनको डालने के बाद क्या होने वाला है कि मेरा पैसा मैं निकाल सकता हूं, तो बगैर लॉक किए हुए ही इन जो है बैंकों का जो है सुधार किया जाएगा। अब ये बैंकों में एक्चुअल क्या प्रॉब्लम चल रही थी, आरबीआई के अंदर लाना क्यों पड़ा, संशोधन क्यों करना पड़ा, क्योंकि आजकल आपने एक टर्म सुना होगा एनपीए होना, तो इन बैंकों की हालात बहुत खस्ता थी, इनमें जो है एनपीए बहुत बढ़ गए हैं, लोन रिकवरी बहुत खराब हो रखी है। तो इनकी जो हालत को सुधारने के लिए जो बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 45 में संशोधन करना पड़ा और एक नए तरीके का विधेयक बनाया गया है, बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। सो ये बनाया गया है और धारा किसमें, 1949 की 45वीं धारा में संशोधन करके नया जो है विधेयक डाला गया है। और इस धारा के अंदर अगर पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ याद रखना है कि सहकारी शहरी सहकारी बैंकों को और बहुराज्य सहकारी बैंकों को आरबीआई के अंदर डाला गया है। अब आरबीआई इनको रेगुलेट करेगी और क्या करने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करने वाली है कि जो पैसा लोगों का जमा है उसको लॉक नहीं करेगी, बगैर लॉक किए हुए इन बैंकों की स्थिति को सुधारेगी। और स्थिति को सुधारने की क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि एनपीएस जो है बैड लोन्स बहुत बढ़ गए हैं, निगेटिव में ये लोग ज्यादा जाने लगे हैं। इसके बाद जो है आगे की तरफ चलेंगे, केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए एक कितने सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। थोड़ा सा इस विषय में जानते हैं कि क्या कर रही है सरकार हमारी, तो केंद्र सरकार ने लगभग 12,000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर अध्ययन करने के लिए एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ की समिति का गठन किया है। 2016 में भी ऐसा काम किया गया था, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, 2016 में भी इसी प्रकार की एक समिति का गठन किया गया था, लेकिन वो समिति जो है अपनी समय सीमा के भीतर जो रिपोर्ट उसको प्रस्तुत करना था उसमें वो नाकाम हो गई थी। तो इस बार दोबारा से जो है समिति जो है गठित की गई है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होने वाला है, जो हमारे पुरातात्विक चीजें होती है, जो खगोली चीजें होती है, जो साहित्यिक चीजें होती है, वो सब साक्ष्य इकट्ठा करेगी, और साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद भारतीय संस्कृति के बारे में पश्चिमी विद्वानों द्वारा बनाई गई जितनी भी धारणाएं हैं, जो भारतीय संस्कृति में जो पश्चिमी जितने भी लोग थे उन्होंने जो धारणा बनाई है उनको गलत, उनकी धारणाओं को समाप्त करने के लिए, गलत ठहराने के लिए ये समिति बनाई गई है कि सही सही चीज़ें एक्सप्लोर की जाए और बताई जाए हमारी संस्कृति के विषय में कि पुराने समय में हमारी संस्कृति कैसी रही हुई है। और बेसिकली क्या है कि ये हमारी 12,000 साल पुरानी संस्कृति है या नहीं है,
ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। विद्वानों का कहना था कि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, और कुछ लोगों का कहना था नहीं, इतनी पुरानी नहीं है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, एक मेहरगढ़, आपको पता होगा मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पे कुछ जो है चीज़ें बरामद हुई है, कुछ जो है साक्ष्य बरामद, पुरातात्विक उत्खनन के माध्यम से कुछ साक्ष्य बरामद हुए हैं। और वहाँ से ये अनुमान लगाया गया है कि अगर 12,000 नहीं पुरानी है तो हमारी कम से कम 10,000 तो पुरानी है। तो ये एक कमेटी बनाई गई है, एक 16 सदस्यीय टीम बनाई गई है। ये क्या काम करेगी, ये जो है रिपोर्ट तैयार करके सबमिट करेगी। और ये जो हमारे पश्चिमी जो लोग थे, जो उनकी धारणाएं थी भारतीय संस्कृति के विषय में, जो उन्होंने गलत धारणाएं फैला रखी हैं, उनको खारिज करने की कोशिश करेगी। इन 16 सदस्यीय विशेषज्ञ का काम बेसिकली यही है। इसके बाद थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इस बार 116वां स्थान मिला है। इसके पहले उसको 115वां स्थान मिला था। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स होता क्या है, ये समझना आप सब लोगों को बहुत जरूरी है। लेकिन पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स मानव पूंजी सूचकांक में भारत को 116वां स्थान मिला है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। साल 2018 में जो है भारत का स्कोर 0.44 था, जो कि इस बार 0.49 हो गया है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 157 देशों में 115वें स्थान पर था, और इस बार जो है वो 116वें स्थान पे है। तो जो इसका स्कोर 0.44 से जो है 0.49 आ गया, इसका क्या मतलब है कि अगर ये स्कोर बढ़ता है तो मतलब स्थिति खराब होती है, ये स्कोर कम होना चाहिए। सूचकांक में जो 0.044 है, ये जो है कम है, ये और कम होनी चाहिए थी बेहतर स्थिति होने के लिए। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। आंकड़े मार्च 2020 तक के थे, जो कि कोविड महामारी से पहले के हैं। अब एक बात ये समझ लीजिए कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है, कैसे हम मापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में मनुष्य तो होते हैं और हम ही लोग काम करते हैं। अब हम में से कितने ज़्यादा लोग कामकाजी हैं, काम करने में जो है अग्रसर रहते हैं, तो अलग अलग तरीके के पैरामीटर होते हैं, उसी को सूचकांक का नाम दिया जाता है। उन पैरामीटरों को मेजर किया जाता है, लाइक कि हम कितने शिक्षित हैं, हमारा स्वास्थ्य कितना बेहतर है, हम कितना जो है कामकाजी हैं। अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स में डाल के जो है ह्यूमन कैपिटल जो है इंडेक्स बनाया जाता है। उसी के हिसाब से किसी देश की स्थिति मापी जाती है कि देश जो है ह्यूमन कैपिटल में कितना आगे कितना पीछे है। तो ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इस इंडेक्स में भारत को 116वां स्थान मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें अगली न्यूज की तरफ, अगला न्यूज है हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल किया है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ये जो प्रोजेक्ट है ये जो है बोली लगा के हासिल कर लिया है। अब एक बार समझिए कि अब क्या होने वाला है। ये आप जो है डिज़ाइन देख रहे हैं, ये क्या है, एक नए तरीके का संसद भवन बनने वाला है, और इसके लिए जो है 865 करोड़ रुपए की जो है बोली लगी हुई है। तो थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, जानते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने एक नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। टाटा ने निर्माण के लिए 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इस बोली में दूसरे स्थान पर लार्सन एंड ट्रूबो 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तो 861.90 की बोली लगाने के साथ टाटा को ये प्रोजेक्ट मिल गया था, जबकि लार्सन एंड ट्रूबो को ये बोली नहीं मिली, क्योंकि ये बोली इनकी ज़्यादा थी। और कितना फर्क है, ये है तकरीबन 4 करोड़ के आसपास, 3 करोड़ के आसपास फर्क है। ये 862 के आसपास है, ये 865 है। 3 करोड़ रुपए की बोली ज़्यादा होने की वजह से इनको ये नहीं मिल पाई। और जब भी बोली लगाई जाती है तो बोली में जो सबसे कम बिट जाता है उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की जो है लागत का जो है अनुमान लगाया था, जबकि बोली जो लगाई गई है वो 861 करोड़ रुपए की बोली लगा के प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दी गई है। और ये प्रोजेक्ट जो है वो बनना है सिर्फ 1 सालों में। लेकिन थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो अभी करंट मौजूदा हमारी संसद भवन है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो मौजूदा संसद की बिल्डिंग का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था, और यह वृत्ताकार था। कैसा था, वृत्ताकार था, मतलब सर्कुलर था। 1987 में इसका उद्घाटन हुआ था। वर्तमान संसद भवन और राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संसद भवन का और राष्ट्रपति भवन का जो है डिजाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियंस ने जो है डिजाइन किया था। जो अभी है, जो आने वाला नहीं है, वो नहीं है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको लिया हुआ है। इसके बाद अगली न्यूज की तरफ मूव करते हैं। किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्व कुमार पुरस्कार USVA 2020 जीता है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रपुरम, नन ऑफ द अबव। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने इसको जीता है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक
ये नाम है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है ने वर्चुअल द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन AICTE द्वारा 2019 से उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन द्वारा स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। इस वर्ष पुरस्कार का विषय इंडिया फाइट्स कोरोना रहा है और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो जो आपको याद करना इस न्यूज से रिलेटेड, क्योंकि इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। ये है क्या, ये बेसिकली एक तरीके का जो है पुरस्कार है और उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार इसका नाम दिया गया है और ये पुणे की इंजीनियरिंग कॉलेज ने जीत लिया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है, ये आपका जो है निर्धारित लक्ष्य पे डिस्कशन करेंगे, जानेंगे। लेकिन पहले आप ऐसे समझो कि जन औषधि केंद्र है क्या। जन औषधि केंद्र बेसिकली जो है ये एक छोटी सी पहल है हमारी सरकार की तरफ से। अलग अलग जगहों पे केंद्र खोले जा रहे हैं जहां पे आपको सस्ती जो है मेडिसिन, सस्ती चिकित्सा प्रोवाइड की जाए। जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली में बहुत फेमस है जो है हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल जो है जिसको नाम दिया था, मुझे नाम याद नहीं है, बहुत मोहल्ला क्लिनिक, सॉरी नाम याद आ गया, मोहल्ला क्लिनिक का नाम दिया है हमारे चीफ मिनिस्टर जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने। उसी के तर्ज पे आप इसको याद रख सकते हो कि जन औषधि केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे जो है देश भर में ये बनाया जाना है। जो पुरानी संख्या थी वो 6000 थी, अभी बढ़ के जो है ये जो होनी है वो तकरीबन 10500 हो जानी है। पुरानी संख्या जो है 6000 और 6000 से थोड़ी ज़्यादा है और ये बढ़ा के अब 10500 कर दी जाएगी। इसमें सस्ती दरों पे गुणवत्ता वाली दवाइयाँ लोगों तक पहुँचाई जाएगी। सिंपल सा ये है कि जन औषधि केंद्र, नाम भी इसका ऐसा ही है, जन औषधि केंद्र, तो यहाँ पे औषधि मिलने वाली है। और आपको पता है ना कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो हमारी संस्कृति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, हिंदुत्व को थोड़ा बढ़ावा देने की कोशिश करती है। बात छुपी हुई नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, बट ऑब्वियस बात है जो विजिबल है सभी को, और ये हमारी संस्कृति को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो नाम रखते हैं वो नाम भी इसी तरीके से लगते हैं कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड हो। इसी वजह से जो है योजनाओं के नाम जन औषधि केंद्र रखे गए हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9Stacks ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, सचिन तेंदुलकर को किसी ने चुना हुआ है, विराट कोहली को किसी ने चुना हुआ है, तो बचे हुए सुरेश रैना है, इनको चुना गया हुआ है। और अपन समझने की कोशिश करते हैं ये है क्या, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है ये, क्या है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म, पोकर मतलब जुआ। तो पहले जो जुआ होता था वो ताश की पत्तियों से, गड्डियों से जो है होता था, कैसीनो बनाए जाते थे, अब ऑनलाइन पोकर चालू हो गया है। तो सुरेश रैना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है 9Stacks नाम से, और ये अब इस को जो है इसकी गतिविधियों को प्रमोट करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है PUBG का, पेटीएम फर्स्ट गेम्स। और अभी हाल ही में सुना होगा कि जो पेटीएम को है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, और गूगल ने कहा है कि कई बार वार्निंग दी गई है उनको, उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया गया, इस वजह से जो है पेटीएम को हटा दिया गया है, ठीक है। और विराट कोहली जो है ये अम्बेसडर हुए हैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी, एडटेक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेट लर्निंग। ग्रेट लर्निंग के लिए विराट कोहली को और सचिन तेंदुलकर को जो है आपका पेटीएम के, इसका एक गेमिंग जोन के लिए है, फैंटेसी गेमिंग जोन के लिए है, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में PFG बोलते हैं या पेटीएम फर्स्ट गेम बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, कोविड पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है तरला दराल, संजीव कपूर, विकास खन्ना, रणवीर बरार। थोड़ा सा तो इनका पहले फोटो देख लीजिए, बेसिकली ये जो है विकास खन्ना है और ये एक सेफ है, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इनको एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने मिलियंस लोगों को खाना पहुंचाया है, भारत में खाना खिलाया है, भारत में बहुत ज़्यादा मदद की है, जबकि ये भारत में थे नहीं, ये दूसरी कंट्री में थे। तो मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को कोरोना महामारी के दौरान भारत में लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अभियान को उन्होंने भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क के अपने मैनहट्टन स्थित अपने घर से चलाया। पुरस्कार के लिए जिन 6 लोगों का चयन किया गया उसमें खन्ना अकेले भारतीय थे। कोरोना संक्रमण के दौरान खन्ना ने भारत में जरूरतमंदों तक भोजन मुहैया कराने के लिए फीड इंडिया एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, एक अभियान शुरू किया था। इसके तहत सैकड़ों शहरों में जरूरतमंदों को भोजन के अलावा मास्क और अन्य जरूरी वस्तुएं पहुंचाई है। तो फीड इंडिया, ये भी आप इनका जो कैंपेन था उसका नाम रखा था, ये प्रोग्राम चलाया था फीड इंडिया, कि भारत को खिलाएंगे हम, और कई लाख लोगों को इन्होंने भोजन कराया। और
वाकई में हम लोगों को ऐसे भारतीयों की ज़रूरत है जो ऐसे समय पे डटे रहें देश के साथ, और देश के साथ सोनू सूद का भी नाम बहुत हुआ है, उन लोगों ने बहुत मदद की है। तो ऐसे लोग भी धरती पे हैं जो मानवता के नाम पे बहुत सही से काम करते हैं। किसने मिरर राइटिंग के जरिए एक मिनट में 165 अंग्रेजी अक्षर लिखने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रवेश बनाया है? प्रियंका पुरी, चैतन्या थमने, देवी नंदना, नन ऑफ दीज। अब देखिए, एक छोटी सी बच्ची है, इसने क्या काम किया है कि 165 अंग्रेजी अक्षर को सिर्फ एक मिनट में टाइप कर दिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अपनी जगह बना ली है, और 140 अक्षरों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड इसके पहले था। अब देवी नंदना नाम है छोटी सी बच्ची का और ये 16 साल की है। कई बार हमको अपने आप को देख के, आपको भी अपने आप को देख के आईने में खड़ा होना चाहिए कि कितने छोटे छोटे बच्चे कितने बेहतर कारनामे कर रहे हैं, और हम लोग मरे पड़े रहते हैं कि हमारा RRB में सिलेक्शन हो जाए, हमारा SSC में सिलेक्शन हो जाए, हमारा CHSL में हो जाए, नहीं तो हमारा MTS में हो जाए। हमारी जो ज़मीर और जो आत्माएं हैं ना, वो मर गई हैं। हम कुछ क्रिएटिव, कुछ बड़ा करने की सोचते नहीं है, डर के साए में जीते रहते हैं। मैं भावनाओं में थोड़ा बहक रहा हूं, लेकिन कई बार होता है बहक जाना चाहिए जब ऐसी बच्चों को देखते हैं जब वो कारनामे कर रहे होते हैं। तो ऐसे समय में आपको स्टेप लेना चाहिए कि आप नेक्स्ट लेवल तक जाके कुछ सोच सके, कुछ क्रिएटिव काम कर सके। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, एक सिंपल शब्दों में यही बात होती है। इसके बाद थोड़ा आगे की तरफ मूव करेंगे। विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को ये मनाया जाता है। फटाफट 17, 16 और 15 को अपने मन में याद कीजिएगा, अभी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो वर्ल्ड बम्बू डे भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है बम्बू नाउ है, और इस दिन पे बेसिकली बांस से के इसके यूज और इससे बनने वाले प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों को लेके इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से जो है बम्बू दिवस मनाया जाता है, बम्बू नाउ इसका थीम रहा हुआ है। इसके बाद जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 18 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है, और पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। 15 सितंबर आप लोग फटाफट याद कर गए होंगे मन में, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, थीम 2020 की क्या थी? COVID-19 ए स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। नेशनल इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है 15 को। 16 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर था, और थीम 2020 की क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। 17 सितंबर को वर्ल्ड प्रोटेक्शन सेफ्टी डे था, और इसी दिन बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। थीम 2020 का क्या था? वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के लिए हेल्थ वर्कर सेफ्टी, ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी मनाया जाता है साथ में, और इसका जो थीम रहा है सॉल्व वाटर भी है। ये तीसरा ऐसी चीज है जो इस दिन पे मनाई जाती है 18 सितंबर को। ये रहे आज के दिन का करंट अफेयर, और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करते हुए जाइएगा, और आज के दिन का जो लाइक का टारगेट है वो 500 लाइक का टारगेट है। मैं वेट कर रहा हूँ स्टिल कि दिन पे 500 लाइक कब हिट होगा, कब हमारी मेहनत को आप थोड़ा सा प्यार और सम्मान दोगे। आज के लिए इतने ही, कल फिर से मिलेंगे अपने वकैप सेशन में एंड करंट अफेयर सेशन में।